A very good morning, students, and welcome to e-learning classes of economics. My dear students, in previous lecture we have covered the gains and limitations of green revolution, and with that we covered the full topic of agriculture from chapter number 3. Now in this lecture, that is lecture number 13, we are going to start your another topic, that is industry. See, sustained GDP growth is possible only when its epicenter lies in the industrial sector. बिल्कुल सही बात है. अगर आपको बहुत ज़्यादा GDP ग्रोथ चाहिए और एक सस्टेन्ड लेवल से GDP ग्रोथ चाहिए, तो उसके लिए इंडस्ट्रियल सेक्टर का बूम अप होना बहुत ज़रूरी है. देयर शुड बी मोर एंड मोर इन द सेक्टर ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. इंडस्ट्रीज प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दैट आर स्टेबल इन कंपेरिजन टू दोज इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर. इंडस्ट्रीज एम्प्लॉयमेंट सेक्टर ज़्यादा क्रिएट करती हैं एज कम्पेयर टू एग्रीकल्चरल सेक्टर. इंडिपेंडेंस के बाद ऑल दी प्रायोरिटी वॉज ओनली विद द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन 5-year plans. नाउ फैक्टर्स नेसेसिटेटिंग डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. क्या क्या वो फैक्टर्स हैं जिनकी हेल्प से स्टेट का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में. नंबर 1, लैक ऑफ कैपिटल. सी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में कैपिटल की बहुत शॉर्टेज थी. मीन्स प्राइवेट सेक्टर के पास इतना पैसा नहीं था कि वो इंडस्ट्रीज को सेटअप कर सकते. इसके लिए देवर इन रिक्वायरमेंट ऑफ मनी, एंड दैट फंड वॉज दैट कैपिटल वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द कंट्रीज कैपिटल. मीन्स कंट्री ने उसमें, कंट्री की जो गवर्नमेंट है, दे हेल्प आउट टू मीट द फाइनेंशियल क्राइसिस. नेक्स्ट, लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्टमेंट. पीपल वर नॉट रेडी टू इन्वेस्ट इन द इंडस्ट्रीज. इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस में लोगों का बहुत ज़्यादा फेथ नहीं था और वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते थे इंडस्ट्रीज में, राइट? जिसकी वजह से साइज़ लिमिटेड था, एंड लिमिटेड साइज़ की वजह से डिमांड कम थी, और डिमांड कम की वजह से इनकम कम थी, एंड दैट ऑल वॉज रिस्पॉन्सिबल टू लो इन्वेस्टमेंट इन द इंडस्ट्रीज. थर्ड, ग्रोथ विद सोशल जस्टिस. बेसिकली गवर्नमेंट का रोल इसलिए भी था बिकॉज गवर्नमेंट वॉन्ट टू हैव द ग्रोथ ऑफ द कंट्री विद सोशल जस्टिस. सोशल जस्टिस मीन्स ईच एंड एवरी वन हु इज़ देयर शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ. सो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस में डायरेक्ट पार्टिसिपेशन की हेल्प से मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड इन्वेस्टमेंट वॉज जनरेटेड. नाउ नेक्स्ट इज योर IPR 1956, आ डिक्लेरेशन ऑन लीडिंग रोल्स ऑफ द स्टेट. बेसिकली डू यू नो वॉट इज IPR 1956? IPR 1956 इज इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन. एक रेजोल्यूशन लिया गया 1956 में, दैट वॉज अनक्लियर डिक्लेरेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑन द लीडिंग रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. ये डिक्लेरेशन इस बात का था कि गवर्नमेंट विल प्ले अ लीड रोल इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, राइट? नो फैक्टर, नथिंग कैन बी इफ एंड बट विदाउट द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट इन द इंडस्ट्रियल प्रोसेस. नाउ देयर आर प्रिंसिपल एलिमेंट्स ऑफ IPR 1956. IPR 1956 के कुछ प्रिंसिपल एलिमेंट्स थे. नंबर 1, थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज. थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन का मतलब क्या था कि IPR 1956 के थ्रू हमने इंडस्ट्रीज को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था. एंड व्हाट वर दोज थ्री पार्ट्स? पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज. पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का मतलब कि सबसे पहला डिवीजन हमने क्या किया, वो सारी इंडस्ट्रीज जो गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में हैं. दूसरा डिवीजन क्या किया हमने, प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, वो सब इंडस्ट्रीज़ जो पब्लिक सेक्टर में भी हैं और प्राइवेट सेक्टर में भी हैं. तीसरा डिवीजन प्राइवेट सेक्टर, इसमें क्या था कि ऑल दोज इंडस्ट्रीज विच वर लेफ्ट इन अबव कैटेगरीज, जो इंडस्ट्रीज ना पब्लिक सेक्टर में थी ना पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में थी, दोज ऑल वर कैटेगराइज्ड इन दिस थर्ड सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर. नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग. व्हाट डज इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग मीन्स? दैट इंडस्ट्रीज इन द प्राइवेट सेक्टर कुड बी एस्टेब्लिश्ड ओनली थ्रू अ लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट. अगर लाइसेंस होगा गवर्नमेंट से तभी इंडस्ट्रीज सेटअप हो सकती हैं, अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सेटअप द इंडस्ट्रीज.
The basic idea of licensing policy was to encourage industries in backward regions. जो मेन आइडिया था लाइसेंसिंग का वो सिर्फ इसलिए था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ बैकवर्ड रीजन्स में इस्टेब्लिश की जा सके. नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल कंसेशंस. व्हाट डज दिस मीन्स? दिस मीन्स दैट प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स वर ऑफर्ड मैनी टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल कंसेशंस. बहुत तरीके के इंडस्ट्रियल कंसेशंस दिए गए, जैसे कि टैक्स हॉलीडे, सब्सिडीज, पावर सप्लाई एक्सेट्रा. ये सब कंसेशंस इसलिए दिए गए सो दैट मोर एंड मोर इंडस्ट्रीज कैन बी सेटअप. सो दिस वॉज IPR 1956. नाउ आफ्टर दैट अनदर टॉपिक, दैट इज SSI. वॉट इज SSI? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. बेसिकली इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस में दो तरीके की इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ हुई. नंबर वन वॉज ग्रोथ ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज एंड नंबर सेकेंड ग्रोथ ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ हमने क्यों की बेटा? जस्ट टू हैव इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़. कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ को इन्हांस और इम्प्रूव करना था, इसलिए हमने लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ की. एंड वाई देयर वॉज द ग्रोथ ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री? टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड सोशल जस्टिस. एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट हो सकें और सोशल जस्टिस. नाउ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है विच हैज़ फिक्स इन्वेस्टमेंट ऑफ लेस देन 10 करोड़ रुपीज़ एंड अ टर्नओवर ऑफ लेस देन रुपीज़ 50 करोड़. वो इंडस्ट्री जो जिसमें 10 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट लगता है, लागत लगती है, और जिसका टर्नओवर 50 करोड़ से कम होता है, उस इंडस्ट्री को हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहते हैं. The role of small scale industry in achieving the goal was underlined by Carver Committee in 1955. Right? So this is small scale industry. Now you must be willing to know what are the features of small scale industry. So have a look on characteristics of SSI, highlighting its role and importance. क्या क्या characteristics हैं SSI की जिसकी help से उसका role और importance highlight हो सकती है? नंबर वन, लेबर इंटेंसिव एंड क्रिएट एम्प्लॉयमेंट. बेसिकली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ आर कैपिटल इंटेंसिव, रादर कैपिटल इंटेंसिव, दे आर लेबर इंटेंसिव टेक्निक इंडस्ट्रीज़. इसमें लेबर इज़ यूज मोर देन कैपिटल, एंड व्हेन लेबर इज़ यूज मोर देन कैपिटल देन ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इज़ देयर. जब ज़्यादा से ज़्यादा लेबर यूज़ होगी, कैपिटल कम यूज़ होगी, तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा. इट शोज़ लोकेशन फ्लेक्सिबिलिटी. बेसिकली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए कोई लोकेशन बाउंडेशन नहीं है. यू कैन स्टार्ट इट एनी वेयर इन एनी एरिया वेरी इजिली, बिकॉज देयर फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ आर इक्वलिटी ओरिएंटेड एंड कंट्रीब्यूट टू बैलेंस रीजनल ग्रोथ. आप इसको किसी भी एरिया में स्टार्ट कर सकते हैं, इसीलिए ये इक्वलिटी ओरिएंटेड कहलाती हैं एंड दे कंट्रीब्यूट टू बैलेंस रीजनल ग्रोथ. सो इट शोज सेम हो गया. नेक्स्ट, SSI नीड्स स्मॉल इन्वेस्टमेंट. SSI में इन्वेस्टमेंट भी स्मॉल लगता है, मीन्स नॉट अ लॉट ऑफ ह्यूज इन्वेस्टमेंट इज़ रिक्वायर्ड. जैसे कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री में काफ़ी इन्वेस्टमेंट होता है, इसके कंपैरेटिवली स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट बहुत कम होता है. अकॉर्डिंगली इट डज़ नॉट लीड टू कंसनट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर इन सर्टन हैंड्स. और कम होता है इन्वेस्टमेंट, इसीलिए इकोनॉमिक पावर कुछ हैंड्स में नहीं होती है, बल्कि इट प्रमोट्स इक्वालिटी अक्रॉस डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. ये क्या करता है? इक्वालिटी को प्रमोट करता है अक्रॉस डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी. सो माय डियर स्टूडेंट, दिस वाज योर इंडस्ट्री IPR 1956, इट थ्रीफोल्ड क्लासिफिकेशन, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड इट्स फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स हाईलाइटिंग इट्स इंपॉर्टेंस. सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर. Thank you.